एंड हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 गिवन है, तो ₹20 इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या व्हाइट वॉशिंग. एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और कितना गिवन है हमें 4989. तो पहले 1 के लिए निकाल लोगे, दैट विल बी 1/20, एंड देन 4989.60 इज द कॉस्ट फॉर व्हाइट वॉशिंग द एरिया. यहां से कौन सा एरिया निकलेगा जो पेंट हो रहा है, और कौन सा एरिया पेंट हो रहा है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, अंदर की तरफ से उसको पेंट किया गया है, दिस एरिया इज बीइंग पेंटेड. तो यहां से हमारे पास जो एरिया निकलेगा दैट विल बी द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. बताइए कितना आएगा. क्या हेयर इट इज 60, सो मेक द करेक्शन. अब बताओ क्या आ रहा है. ये आ रहा है, इट्स 0.48 और 4.8. कहाँ आपने पॉइंट लगाया 9 के बाद 0.6, लेकिन 9 से पहले आएगा. अच्छा, यहाँ कितना गिवन है, मेरे पास जो बुक है दैट इज 4989.60. इट्स ओके, जिसके पास जो वैल्यू लिखी हुई है फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. आपका आंसर आप पीछे से टैली कर लेना. ठीक है, यहाँ ये वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बताओ 249.48. सो व्हाट विल, हाँ जी गर्ल्स क्या कह रहे हो बेटे. हाँ जी यही लिखा है. व्हाट विल बी द यूनिट, मीटर स्क्वायर. अब ये क्या चीज आई है हमारे पास, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट डन. तो एक बार आंसर में आप क्लियरली मेंशन कर देंगे, दिस इंप्लाइज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 249.48 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा है उसने हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम विल बी द कैपेसिटी ऑफ द डोम. तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 2/3 πr³. इट मींस अब हमें उसके लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. अब मेरे पास कैलकुलेशंस में कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है. इफ आई एम गिवन द कर्व्ड सरफेस एरिया कैन आई फाइंड आउट द रेडियस. क्या यूज करेंगे, यस 2πr² सो ये इरेज कर दूं पार्ट ये वाला. चलिए नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 249.48 मीटर स्क्वायर. वॉइस की आवाज आ रही है बोलने की, आप ये लाइन दोबारा नहीं लिखेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. अब कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह रिप्लेसमेंट करो इसके फॉर्मूले से एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. पाई की वैल्यू तो नहीं गिवन, नाउ सिंप्लीफाई दिस. इलेवन पे कट कर रही हूं मैं पहले.
सिंप्लीफाई दिस, डिविजन से करो, लॉन्ग डिविजन से फाइंड आउट द 6 point. Show me your calculations. Five point six seven. Five point, कैसे मैडम? 39 है तो 6 6 जा 36. 6 point something. ये नहीं आ रहा आपका? ये आपका आ रहा है, मेरा पहले ये आ रहा है. 2.5. आपने अब मेरी वाली वैल्यू से किया कि अपने वाले से किया? आप सेम ही तो आ रही है, 24948 लिखी हुई है मैंने. हाँ जी दिखाओ. ऊपर वाली कैलकुलेशंस भी एक बार चेक कर लेना. डू योर कैलकुलेशंस क्विकली, हरी अप. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम आई एम गेटिंग 6.3 मीटर. दिया आपका भी 6.3 आ रहे? हाँ तो इट इज 6.3. इट्स ओके ओके ओके. और भी किसी का है 6.3? देन इट्स ओके, टेक इट एज 6.3. यू चेक योर कैलकुलेशंस. जिस बच्चे का डिफरेंट आ रहा है कैलकुलेशंस चेक कर लो एक बार. अब रेडियस आ गया, व्हाट वी आर टू फाइंड आउट वॉल्यूम. चलिए निकालिए अब वॉल्यूम. फोर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. ये पार्ट विजिबल नहीं है, मैं इधर लिख रही हूँ. सो द वॉल्यूम इज फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब So now simplify this. हाँ जी. Yes, it's 2/3. Hemisphere है तो this is 2/3. क्या? बच्चे 44 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 0.3. कहां पे? इधर लेके आओ मेरे पास. अरे दिखाओ तो सही किसकी वैल्यू बोल रहे हो. बॉयज की तरफ से ना इस साइड से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता. कहां बेटा? इनको नहीं मल्टीप्लाई किया 63 इंटू 63. दोबारा बोलो. ठीक है बिल्कुल ठीक है. 523.908 मीटर क्यूब. सो दिस विल बी योर आंसर. अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट इट डाउन एज 523.9 ऑल्सो, अदरवाइज 0.908 इज ऑल्सो करेक्ट. हैव यू डन एनी सिंगल कैलकुलेशन ध्रुव? जस्ट शो इट टू मी. Bring your notebook to me. I am asking, have you done the calculations? Otherwise, in between, jitna time aap logon ko calculations ke liye mila hai board se, to aapka note down ho jana chahiye tha. Be attentive in the class.
हाँ जी डन, चले नेक्स्ट पे। फिर कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो कैसे बताऊंगी मैं कहाँ गलती है बताओ। ओरल नहीं करना आपने, ओरल पता है मिस्टेक्स हो रही है, वो राउंडिंग ऑफ में होता है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे ये 523.9 है तो दैट विल बी काउंटेड एज 524, दैट विल बी। ठीक है, वो भी ठीक है, पॉइंट्स में इतना डिफरेंस चलता है, चलेगा। 0.06 का हो गया, 7 का हो गया ना, तो दैट इज ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये नोट डाउन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर एंड रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं, यानी कि फुल स्फीयर है, 27 इन नंबर थे। इन सबको क्या किया गया, मेल्ट करके क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। एंड उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज डिनोटेड बाय एस डैश। फाइंड आउट द न्यू रेडियस आर डैश एंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। जो प्रीवियस वन था, ओरिजिनल वन था, उसका रेडियस कितना गिवन है एंड द सरफेस एरिया इज एस, तो क्या करें। यस, पहले आप 27 स्फीयर्स का क्या निकाल लोगे, सरफेस एरिया। ओरिजिनल वर्ड में यहां यूज कर रही हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए उसको। अब S को क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr² और कितने स्फीयर्स गिवन है, ये 1 का आ रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ 27 स्फीयर्स विल बी 27 × 4πr² मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं इसको। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द दीज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, यानी कि अब इन सब को मेल्ट कर दिया गया और क्या बनाया गया, वन बिग स्फीयर बनाया, और उसका हमें क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो विल सरफेस एरिया वर्क फॉर दिस, जब एक चीज मेल्ट करके हम दूसरी चीज बनाते हैं तो उनकी क्या चीज सेम रहती है, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया यहाँ हमने अभी कंसिडर नहीं करना है, इट मीन्स हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉट माई पॉइंट कि क्यों वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है कंसेप्ट कि जब आप एक फॉर्म से, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन करते हो तो वो वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है, रेडियस वगैरह सब चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि अब इनका जो है रेडियस, अगर वो इतना इतना था, बड़ा बनाया हमने तो इतना बन गया, तो ये सरफेस एरियाज को हम इसके इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम्स को इक्वेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर्स। तो ये अभी लिखा रहने दो, ये नेक्स्ट पार्ट में यूज हो जाएगा आपका। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर्स, मैं यहाँ 27 का सीधा ले रही हूं, is equal to volume of bigger one new sphere करते। तो एक sphere हमने इनसे बनाया है, इन दोनों के volumes आपस में क्या होंगे, equal होंगे। Now put the formula and get your answer. 27 into what is the volume of a sphere? 4/3πr³. This will be equal to 4/3πr³, इसका रेडियस क्या गिवन है, आर डैश, तो 4/3πr³ यहां लिख दो, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर
इज आर डैश. और यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें उसने कहा कि जो 27 स्फीयर्स हैं उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम जो 27 स्फीयर्स का है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर. अब कैंसिलेशन कर दो, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया आपका. 27r³ कैन बी रिटन एज क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि इधर क्यूब है ना, आर क्यूब है, मुझे आर की वैल्यू. यस, 3r होल का क्यूब. ये क्लियर है सर? 27r³ को 3r का क्यूब इज इक्वल टू r³. दोनों साइड के क्यूब्स आपके कैंसिल आउट हो गए, तो r' कितना आ गया? 3 times r. ठीक है, यानी कि जो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस था उसका 3 times विल बी द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर. गॉट दिस पॉइंट? कोई डाउट तो यू कैन आस्क. चलिए अब सेकंड पार्ट पे आइए. सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश. व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर? सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर फोर पाई आर डैश स्क्वायर. और यस, ये एस डैश से डिनोट हो गया. रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो पहले एस लेना है फिर एस डैश लेना है. अब एस कितना निकाला हमने यहाँ पे? 27 × 4πr² और s डैश कितना निकाला है? 4π × r² 4π कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, 27r² / r² लेकिन हमने यहाँ पे क्या शो किया है? r डैश किसके इक्वल है? 3r के. तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, r डैश की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो यूजिंग 1. तो रेशियो विल बी, क्योंकि रेशियो हम हमेशा नंबर्स की फॉर्म में देते हैं, तो 27 × r² / r' को रिप्लेस किया 3r से और उसका क्या था? स्क्वायर. अब दिस इज 27 × r² / 9r² आर स्क्वायर कैंसल्ड, 9 × 3 = 27 तो s अपॉन s डैश is equal to 3/1. Yes. So answer is 3:1. Clear? यानी कि जो न्यू स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज, हाँ जी कैलकुलेशन चेक करो एक बार. क्यूब क्यों? सरफेस एरिया की रेशियो है. लेट मी से दिखाओ, यहां एक बार कैलकुलेशन चेक करो फिर कहां गलती है. क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, क्या गलती है यहाँ पे? वत्सल हैज गिवन द आंसर. क्या पूछा है उसने? रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, एस क्या है और हमने क्या लिया? 27 का ले लिया है, तो ये 27 नहीं लेना हमने. ठीक है, एस इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ वन स्फीयर. गॉट इट? तो ये 27 हटा दो यहां से. सो रेशियो विल बी 1:9. चलें अगले पे.
यहाँ पे एक जगह और से आपको आपकी मिस्टेक पता लग सकती थी, जहां हमने 27 को मल्टीप्लाई किया है, हमारा ये आ रहा था, यानी कि s इज इक्वल टू 3 टाइम्स s डैश, जबकि हम यहाँ क्या कह रहे थे उसका रेडियस 3 टाइम्स है, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि छोटे वाले का सरफेस एरिया जो है वो बड़े वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें क्या है, कहीं पे कोई मिस्टेक है, तो यू कैन रेक्टिफाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। सिंपल सा है, कौन बताएगा? डायमीटर गिवन है, यू विल फाइंड आउट द रेडियस एंड हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो योर होमवर्क पार्ट। एनी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेस्ट विच यू आर अनेबल टू डू, तो वी कैन डिस्कस दैट बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रिलेटरल्स। कौन सा क्वेश्चन है जिन्होंने अभी मुझे टेस्ट दिया, लिखा हुआ है क्वेश्चन? दिखा 13.4 का क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, इस बार अब तो जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं सारे हैं, जो हो गए वो नहीं करने। उसमें कितने आए थे आपके पीटी 2 में? 13.4, तो उनको छोड़ दो, हीट इज इन द फॉर्म वाला। अच्छा 13.4 का कह रहे हो, मैंने 7 खोल दिया। क्वेश्चन नंबर बोलो 9। यस, टेस्ट वाला थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 13.4। यू कैन सी द स्टेटमेंट फ्रॉम देयर। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसमें बस आपका कंसेप्ट यूज होना है, बाकी और कुछ नहीं था। ये एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर को जस्ट एनक्लोजेस पूरा पूरा कवर कर रहे हैं। अब यहां से क्या पता लगा आपको? डायमीटर दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या आ जाएगा? आर। यूनिट्स लोगे साथ में, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर टू फाइंड द, आप कौन से बेंच पे थे पहले? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, मैं अब नेम्स ले रही हूं और लिंक शेयर करूंगी पेरेंट्स के साथ, कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आई विल राइट डाउन, जस्ट सी द रिकॉर्डिंग व्हाट योर चाइल्ड डू इन द क्लास। हाँ जी, नो, आपका ये पीरियड बिल्कुल रिसेस के बाद वाला होता है, मेरे से कोई पूछने भी ना आए यहाँ जाए या वहां जाए। इफ यू आर हैविंग योर ड्यूटी देन बिफोर कमिंग टू द क्लास यू कैन गो, 2 मिनट लेट आ जाओ, दैट इज टॉलरेबल। हाँ जी, सीधे कंसेंट्रेट ऑन द बोर्ड, अदरवाइज उधर बहुत सारे बेंचेस वेकेंट हैं, अगर आप वहां नहीं चुप बैठ सकते तो यू कैन चेंज योर सीट। अब हमें गिवन था सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो यहाँ लेट नहीं करना, ये हमें गिवन है।
अब सिलेंडर का भी रेडियस आर हो गया. नाउ लेट्स सी द हाइट ऑफ द सिलेंडर. वो उसको पूरा पूरा एनक्लोज कर रहा है, यानी कि जो यहाँ इसका, अगर मैं इसको एज्यूम करती हूँ तो सिलेंडर यहाँ से यहाँ वाली हाइट तक है. तो इसमें जो आप ये बना रहे हो, ये जो एग्जैक्ट फिगर बन रही है आपकी, ऐसे बन रही है. यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, दैट विल बी द डायमीटर मींस 2R. तो फिगर आपने ये जो मैंने सेकंड बनाई थी ये वाली बनानी है. फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. अब आपको डायमेंशंस पता है तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेडियस आर ही है, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2R. सो दिस इज, दोनों सेम आ रहे हैं, वैसे उन्होंने पूछा नहीं है ये. एंड देन द रेडियस रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन. अब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड उसने पूछा है, तो दोनों के एरियाज की आप रेशियो निकाल दोगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Got it? Any other doubt? 13.6, question number 6. The capacity of a closed cylinder vessel of height 1 meter is 15.4 liters. आपको 1 meter की जो है given है. मैं कौन सा question करवा रही हूँ? Question number? कैसे करने है? बातें हो रही है, इट मींस आता है. क्या क्या गिवन है और हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर है ये, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 1 meter. कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम हमें गिवन है 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? Square, क्योंकि closed है तो it means total surface area हो जाएगा. तो volume given है, height given है, वहां से radius निकाल लोगे. उससे पहले आपको इसको convert करना पड़ेगा meter cube में. ठीक है, 1 meter cube is equal to, तो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. फिर एच गिवन है, वी गिवन है, हाँ रेडियस निकाल लोगे. रेडियस आ गया तो क्या पूछा है उसने, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, तो टोटल सरफेस एरिया यू आर टू कैलकुलेट. अटेंडेंस किसने लेनी है ऑनलाइन, आ जाओ. Just a moment. बच्चे डोंट लीव द मीटिंग, अटेंडेंस लग जाए.